अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट का अकाउंट बनाना होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जैसे आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने अपना ईमेल डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, तो मैं कर देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर चेक लगाना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला मैसेज शो होगा कि अपना जो ईमेल है उसको वेरीफाई करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने ईमेल पे जाना है और यहाँ पर आपको मेल आ गया होगा उनका, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंफर्म यूअर ईमेल एड्रेस, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ये कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो फ्री में सब डोमेन हासिल करें, अगर आपके पास कोई डोमेन है तो आप उस डोमेन को यहाँ पर पॉइंट करें। डोमेन नेम को किसी भी होस्टिंग के साथ कैसे पॉइंट किया जाता है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या करते हैं कि सी पैनल दिखाने के लिए मैं एक सब डोमेन लेता हूँ और उसका सी पैनल दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सब डोमेन सेलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ पर चेक पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये ऊपर मैसेज आ गया कि ये डोमेन नेम जो है अवेलेबल है, और यहाँ पर अकाउंट लेबल यानी कि आप इस डोमेन नेम को किस नेम से जो है ना कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, और इसका ये पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिलाल काशी 1234, और यहाँ पर मैं इसका कैप्चा सॉल्व करता हूँ और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्लाइंट एरिया में जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लाइंट एरिया में आ गया हूँ और इसका यूज़र नेम ये, लेबल ये, और स्टेटस जो है यहाँ पर एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो रेडी हो गया। तो इसके लिए मैं कंट्रोल पैनल पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है, बिल्कुल उसी तरह का कंट्रोल पैनल हमें मिल गया है जिस तरह का हमें एक पेड होस्टिंग में मिलता है। और यहाँ पर डिस्क स्पेस देखें अनलिमिटेड है, और बैंडविड्थ देखें अनलिमिटेड है, और यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी CMS इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर ऐप इंस्टॉलर में जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस भी है, जुमला भी है। यहाँ पर आप किसी पे भी अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक क्लिक के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मैं बैक जाता हूँ और अपने अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पर अकाउंट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 अकाउंट हम और भी बना सकते हैं, 2 वेबसाइट और भी हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई और वेबसाइट लॉन्च करनी है तो आपके पास डोमेन है तो आप इसी तरह न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपनी दूसरी वेबसाइट भी इस पर लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।